फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चा तेल $100 के नीचे फिसला है। ब्रेंट का भाव 98.93 डॉलर तक लुढ़का है। 17 मार्च के बाद पहली बार ब्रेंट $100 के नीचे खुला। ब्रेंट में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी रही। 3 हफ्तों में ब्रेंट 17.5% से ज्यादा लुढ़क चुका है। अप्रैल में अब तक ब्रेंट 7% से ज्यादा गिर चुका है। वहीं WTI का भाव $97 के नीचे लुढ़का है। WTI का भाव 94.88 डॉलर तक लुढ़का है। कच्चा तेल के 3 हफ्तों के चाल पर नजर डालें तो ब्रेंट 17.61% गिरा है। वहीं WTI में 16% तक की गिरावट देखने को मिली है। चीन में लॉकडाउन से डिमांड घटने की आशंका से कच्चा तेल फिसला है। ब्रेंट $100 के नीचे आया है। ब्रेंट में कमजोर सप्लाई बढ़ने की संभावना बढ़ी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी देश IEA देश SPR से क्रूड जारी करेंगे। IEA देश मई से SPR से क्रूड जारी करेंगे। US करीब 6 करोड़ बैरल जारी करेगा। US 6 महीने में 18 करोड़ बैरल क्रूड जारी करेगा। चीन में कोरोना संक्रमण में आई तेजी। शंघाई में बीते एक दिन में 25,000 से ज़्यादा मामले आई। कोरोना के कारण चीन में सख्त लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण चीन में मांग घटने की आशंका है। भारत सऊदी अरेबिया से क्रूड की खरीदारी घटाएगा। भारत मई में सऊदी से कम क्रूड खरीदेगा। सऊदी ने एशिया के लिए ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ाई है। भारत ने रूस से क्रूड की खरीदारी बढ़ाई है। रूस भारत को डिस्काउंट पर क्रूड दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।